सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, वैसे मौन रहना भी किसी समाधान से कम नहीं। आज का पंचांग 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्ष नामक नक्षत्र रात्रि 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:29 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मकर राशि 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, घर की मरम्मत और नवीकरण अभी आपको एक जुए की तरह लग सकते हैं। खर्च करते समय सावधानी बरती। परिवार के सदस्य शायद आपके माता पिता या दादा दादी को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। घर पर होने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आपको शांति मिलेगी। आपका करिश्मा ऐसा है कि आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं। अभी बनाए गए संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। काम और करियर के बारे में निर्णय लेने के लिए यह समय उचित नहीं है। जीवन में आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल सकता है। दूसरे लोगों की भी मदद करें। परिवार में आपसे संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे किसी की मध्यस्थता से दूर हो जाएंगे। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से धन संबंधित परेशानी भी हल हो जाएगी। व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दें, परिस्थिति सुधारने की कोशिश करें। आपके स्वभाव का जिन लोगों ने गलत फायदा उठाया है उनसे संपर्क रहेंगे तो होने वाले नुकसान को टाला जा सकता है। लोगों की परख ठीक से करें, गलत लोगों का साथ आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। अपने काम से जुड़े टारगेट को छोटे हिस्से में बांटकर काम करना शुरू करें। पार्टनर की नाराजगी को समझने की आवश्यकता है। सावधानियां, बच्चों की परेशानियों के समाधान में उनका सहयोग करें, उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। कोई सुखद समाचार मिलने पर अपना मनोबल बनाकर रखें। बढ़ते खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय महत्वपूर्ण मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का है, जिनमें एक है दिल के मामले। आपका रोमांटिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण है क्योंकि आप दोनों के बीच की समझदारी काबिले तारीफ है। माँ या माँ की जैसी कोई स्त्री आज आपका पूरा सहयोग करेगी। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करता है। अपने परिवार के साथ विशेष रूप से अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करें और उनसे अपनी इच्छाओं और रणनीतियों को साझा करें। जीवन की चुनौती चाहे कैसी भी हो, आप दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। बात करते हैं करियर की। आज अपने काम को सादगी और ईमानदारी से करने की कोशिश करें। वाहन, अचल संपत्ति या कीमती सामान खरीदने के लिए भी यह समय शुभ है। अपने अधिकारों को समझें व अपने दृष्टिकोण को रचनात्मक बनाएं। जुए जैसी गतिविधियों से दूर रहना ही उचित है। आज आप अपने विशेष करिश्मे को महसूस कर रहे हैं और नए दोस्त बनाने के लिए यह बेहतरीन समय है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय अच्छा नहीं है। याद रखें, समस्याएं धीरे धीरे आपकी सफलता का मार्ग बना रही है। बात करते हैं सेहत की। नकारात्मक विचारों के कारण तनाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में कमी महसूस होगी। योग और मेडिटेशन अवश्य करें।
विटामिन की कमी होने की वजह से सेहत संबंधित दिक्कत भी बढ़ सकती है। आज का उपाय, आज आप शिव भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।